यार ना करो, फिर बुरा लगता है, एडिटिंग हो जाएगी। आज तक जो गाड़ी की ना किसी की लाइफ मिली और ना गाड़ी का कोई चीज मिला नहीं मिलती कुछ भी नहीं था। तो उस इसकी गहराई भी आज तक किसी ने नहीं मतलब नाप पाई ना गहराई। तो अभी तो ये बेस्ट हो गया, जिस तरह ये हमारे तो पुराने ड्राइवर हमारे अंकल वगैरह इधर को पुराने पुराने ड्राइवर वो जब बैठते हैं ओवर में बैठा जिस रोडों पे अभी आप लोग ये तो रोड कुछ भी नहीं है, ये बोल रहा है कुछ भी नहीं, जिस वक्त हम गाड़ियाँ चलाते थे और बेडफोर्ड गाड़ी बेडफोर्ड गाड़ियाँ कॉस्टर में मिस्टर कुछ भी होती थी वो बेडफोर्ड का सब कुछ उसमें होता था और काटने में हम और घंटे तक 5-5 दिन में पहुँचते थे। उसकी वजह यहाँ हम कैसे थे हम लोड करके जाते और वहाँ का रास्ते में कभी स्लाइडिंग आई होती पत्थर आए होते पैसेंजरों समेत रास्ते से पत्थर हटाते 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 हमारे 2-3 घंटे बर्फ आ गई बर्फ बर्फ सारी क्लास पागल हो गई है बर्फ को देख के। ओए लाश आंडा नहीं बनाना। ओ बेटा मैंने तो सुना था बर्फ मसलने से दर्द कम होता है ये तो बोला था क्या ना। अच्छा एक और बताऊं तुम्हें, बाटा कुर्दी से लालाजार हम ट्रैकिंग करते होते वो नहीं करो था सर कमांडो है। कैन यू हियर कैन यू हियर कैन यू हियर माय वॉइस कमिंग थ्रू कमिंग थ्रू। आपकी जो हसरत है ना बर्फ वाली वो पूरी हो जाएगी, बर्फी कर देना आप। मैंने आप लोगों को कहा था कि जॉगर की सॉक्स लेने सर वही आज ताबेदार हम लेके आए हैं, जो ठीक है वो कंफर्टेबल रहेंगे सर हम लेके आए हैं। आप मेरे एक्सपीरियंस से कहेंगे दो भी नहीं 3-4 लेके आए, 3 लेके आए सर, 3 लेके आए सर ने भी जरा पे डाल लिया। मैंने तो आप लोगों को कहा था सॉक्स रख लें, मैंने नहीं रखी सॉक्स, बैग चेक यहीं पड़े रहते हैं, मेरी चीजें निकाल लेते हैं थोड़ी सी जल्दी गाड़ी यहीं पड़ी है, गाड़ी यहीं पड़ी कहेंगे ना आजकल।
तुम टोपी लेनी है? मैं तो टोपी ले आ गए हैं हम लोग मरी में विकेंडी कौन है विकेंडी नहीं माना मेरे पीछे बर्फ ही बर्फ है और पांव जमा के चलो अब आ जाओ सर इस पार्क की कोई फीस है या ऐसी चलो कोई फीस नहीं यार यहाँ से देखते हैं भाई है फिसलन फिसलन है यार हमने अब ये जुराबे चढ़ाई हैं इस पे ताकि फिसलना याद है पिछले ब्लॉग में हमने ये ली थी लंडे वाली इंशाल्लाह काम तो देंगे यार ये बर्फ बहुत अच्छी है यार ये समद भाई पहनेंगे वो भैंस की तुम यार बहुत सेट है यार अंदर जा रही है यार ठंडी ठंडी फैज इसे बुलाओ फैज को तेरी मेरे ख्याल में ज्यादा स्ट्रेचेबल है ना ओ लगी यार ये क्या बताऊं लगा ही यार ये तो हो ही नहीं रहा ओए अंदर चलो यार अंदर चलते अंदर वहां से आ रहे हैं यहां से नहीं चले जाएं अंदर ही जाना है तो हम यूं क्यों जा रहे हैं ऊपर से ओ नाइस यार ये पकड़ी फिर मैं जाता हूँ आप चल रही है चल रही है चल रही है चलो हेयर 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 अच्छा बहुत पीस में रख लो आजा रुक जा पीछे से ओ बच्चा बच्चा ध्यान से वे आ जाओ यार नाइस मेरे बरस का मारा नहीं मारा पर बहुत मज़ा आया हमने बहुत खूब इंजॉय किया अब सारे फोटो सेशन हो रहा है सारों का फोटोज़ ले रहे हैं इधर मेरे पीछे भी यार हमने ना एक स्नोमैन बनाया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तोड़ दिया गया इस पर जुल्म हुआ नज़र आ रहा है आपको मुझे तो नज़र नहीं आ रहा बहरहाल ये था हमने जो बनाया था ये इतना ऊंचा था ये तोड़ दिया व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है फेस मेरी साला फेस मेरी यार हाय क्या हाल है सामान बहुत ठंड लग रही है यार क्या कोई व्यूज हैं इस जगह के बारे में बहुत अच्छी जगह है बहुत ठंड लगती है दो मिनट तस्वीर बना रहे हैं तस्वीर नहीं बना रहे हैं ब्लॉग बन रहा है सर इस बर्फ का क्या करना है सर ये नरम है ना ये ओह मेरा पैर अंदर चला गया अभी तस्वीर देखी है तूने उतरी अच्छी यार वो पीछे हेलीपैड है वो वाली ओए ये बर्फ ज्यादा नरम नहीं है हाँ समझ सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ये चीज छा गया ताली मार आहा यार ये देखें स्नोमैन जल्दी आओ जल्दी आओ बच्चे ने बनाया है क्या आपने बनाया बैठो इधर बैठो इसकी आंखें और नाक तो सारे पिघल गए हैं बंटी पिघल गई है जल्दी से जल्दी से जल्दी से उधर देखो उधर यार मेरे से तूने वो ही नहीं लिया आह इन्होंने हम सब भी अच्छा स्नोमैन बना ओ ओए इसमें आया है बिल्कुल पास से गुजरा यार शेट यहाँ पर बमबारी शुरू हो गई है वर्ल्ड वॉर थ्री का आगाज स्नो फाइट ओ
ये तो मेरा ही स्नोमैन मुझे गिराता था, गद्दार निकला ये, इसे हरामी तेरी ऐसी की तैसी एमल डॉन को गिराता है। बच्चे ने अंदर फेंक दी बर्फ यार, दो बंदे लगते उठाने में, इसको मत गिराओ, इसको मत गिराओ, इसको दो बंदे यार स्लो मो करना, क्योंकि तो ऐसा धुआं है। ओह बहुत ठंड है यार, ये हमारा सारा ना पबजी का स्क्वाड जा रहा है लड़ाई करने आगे, ये अभी हम लॉबी में खड़े हैं सारे लॉबी में खड़े हैं, हर भी अपने अपने स्क्वाड सोलो ड्यू सारे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा नूब है, सीढ़ों के पीछे छुप जाता है, कहता जोन आए खैर जाने तो, मैं सीढ़ों के नीचे मेडिकेट से इस्तेमाल करता रहूंगा। ओए साइंसदान के बच्चे आ जा आगे से ले लेते हैं। ओए हाँ हाँ ऑडियो बहुत, दो तीन बंदे कितने भी बैठे, ओए लकड़ी ढूंढते हैं, लकड़ी ढूंढते हैं, लेकिन हो गई बड़ी लकड़ी वही, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है, पता लगे सीधा रोड के ऊपर आए पड़े नहीं ना, तो उतर जाएंगे फौरन। और लकड़ी लकड़ी जाने दो वो गाड़ी में जाकर लगे, अबे इतनी बड़ी लकड़ी तो नहीं लेंगे ना, अब ऐसे ही लेंगे ना जिसके ऊपर बैठ सके, पर सेल्फी स्टिक होती ना ऐसे बड़ा व्यू आता। यार कोई टिशू नहीं लाया ना, रुमाल था मेरे पास। डॉन को उठाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, डॉन को उठाओ। मैंने सॉक्स से ना सारी बर्फ खराब कर दी है, हम चावल के बच्चे हैं। चलो चलो, मैं फिर गिर गया। Bro, I am in snow. ओ भैंस की तुम, मेरा ग्लव कहाँ गया भाई, मेरा ग्लव ही उतर गया, मेरा ग्लव ये रहा, लग रही इसमें बर्फ ना गई हो यार, बाकी खैर है। वो स्लिप हो रहा है पैर, हो रहा है, बर्फ उतार रहा है, मैं तो लेने जा रहा हूँ स्लाइड। देख ले यस, देख तुझे घसीटे लग रही है, ब्लॉक के लिए तेरा कुछ नहीं, रात को जाके सोएगा। ओह ये तो फिक्शन लग गई, यार क्या पिक है यार, क्या ध्यान से खून है, क्या तस्वीरों के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं फून ब्रो, समझ मुझे लगता है यहीं पे एंड कर देना चाहिए मुझे, बहुत ही हालत खराब हो गई है, थोड़ी देर का ब्रेक फिर शुरू करता हूँ मैं व्लॉग। हमारी चेकिंग, ओए ये अभिनंदन है यहाँ पर, सर अभिनंदन इंडिया से, वो सर्जरी कर, फेस सर्जरी कर, इंडिया से फेस सर्जरी करा के आ गए। चलो अपना अपना सब, ये भी तारना पड़ेगा, ये ले मोबाइल भी देना, अभिनंदन सर, अभिनंदन साहब, अभिनंदन साहब, बैग आ रहा है किसी और पर नहीं। टिकट आ गई है एंट्री वाली,
मैं खाना मैंने खा लिया, भूख बहुत लगी हुई थी, तो बस खाई गए आ गए हैं। उधर नीचे प्ले लैंड है, यहाँ पे बताया वहाँ जाते हैं। और ये देखिए भी काफ़ी अच्छा है, तो सामने एक प्ले लैंड दिखाता हूँ। यहाँ पर लेकिन हमने जाना नहीं है, हम जा रहे हैं ज़रा बाहर की तरफ। ये लगता है कोई था बास्केटबॉल कोर्ट शायद, आई थिंक। ये सारा यहाँ पे कचरा ही कचरा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ये बर्फ कम झाग ज़्यादा लग रही है। अभी आपको हम बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखाएंगे। ऐसा सफ़र था, घर को रवाना हो रहे हैं, होटल के लिए रवाना हो रहे हैं। अभी कुछ 2 घंटे के आसपास का सफ़र है हमारा। होटल रावलपिंडी इस्लामाबाद के ऐसे बीच में है, इधर रावलपिंडी है, इधर इस्लामाबाद है, कुछ इस तरह का सीन है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, उसके बाद देखो अगर रात का कुछ सीन शायद है बारबेक्यू का, वो फिर आपको दिखाएंगे। क्यों नहीं है, शायद का मतलब पक्की बात है। ये बारबी की सीन चल रहे हैं यहाँ पर, बोल रही है सर की तरफ से अरेंज हुआ है। हट जाओ ए, आप तो दिखाने दो। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too.